हेलो सन मून एंड राइजिंग कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके न्यू मंथ की रीडिंग है सितंबर 2024, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सबको मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवन्स ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशन। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं फॉर कैप्रिकॉर्न्स फॉर मंथ ऑफ सितंबर 2024। ओके, फर्स्ट कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। ओके, अंडरनीथ आपके पास है एस ऑफ सोर्ड्स। सो कोई क्लैरिटी आपको मिल सकती है, सितंबर मंथ में आप जो है आप अपने सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा फोकस रह सकते हैं, और लाइक आप किसी पर्सन से जो है वो अनदर चांस के लिए रेडी रहना चाहते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि किसी पर्सन से आपको सेकंड चांस मिले, और लाइक आप इतने सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं, आप अपनी एनर्जी को इतना गैदर करना चाहते हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट हों, और इस अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अभी कभी भी आप गिव अप नहीं करेंगे, आप मेहनत करते रहेंगे जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेते। और अगर आप किसी की तरफ देख रहे हैं फॉर सेकेंड चांस, तो आपको वहाँ से कम्युनिकेशन मिल सकती है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उस पर्सन से, या वो पर्सन आपकी तरफ देख रहा है सेकेंड चांस के लिए, तो भी आपको कम्युनिकेशन आ सकती है उनकी तरफ से। फर्स्ट वीक में यस, मैं जैसे मैंने कहा कि किसी की तरफ से सेकेंड चांस की ऑफ़र आ सकती है, तो यस, या तो आप किसी को ऑफ़र करें, कोई आपको ऑफ़र कर रहा है, अपॉलॉजी आपको मिल सकती है किसी पर्सन की तरफ से, आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर भी हो सकते हैं, या अगर आप सिंगल हैं तो ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो कि आपको लव ऑफ़र कर रहा है, न्यू लव ऑफ़र आपको हो सकती है फर्स्ट वीक में। इसके अलावा आप अपने जो जिस पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ है आपका, जो भी पर्सन आपके माइंड में है जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है, उस पर्सन की तरफ से या तो अपॉलॉजी आपको मिल सकती है, या फिर वो आपको एक मैम ऑफ़र दे सकता है कि वो मामलात को सॉल्व करके दोबारा से रीस्टार्ट करें इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी के यहाँ पर पेज ऑफ कप क्यों है, वाई दिस पेज ऑफ कप इज़ हेयर फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न्स के लिए पेज ऑफ कप क्यों है, वाई दिस पेज ऑफ कप इज़ हेयर फॉर कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ कप को नाइट ऑफ कप से किया गया, तो डेफिनेटली कोई अपॉलॉजी, कोई लव ऑफर आपको मिल सकती है आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, रिजॉल्वमेंट कोई आपके लिए आपकी तरफ आ सकता है विथ अपॉलॉजी, या अगर आप सिंगल हैं तो कोई नई लव अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है किसी ऐसे पर्सन की तरफ से जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट है, लवली है। सेकेंड वीक में आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं, आप अपनी पास्ट लव के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट में ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, आप ख्वाहिश कर रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में दोबारा से वो इमोशनल फुलफिलमेंट आए जो पहले हुआ करती थी। इमोशनल मंथ लग रहा है मुझे, लव लाइफ के हवाले से ज़्यादा लग रहा है, तो आप रिग्रेट कर रहे हैं कि या तो पास्ट में आप बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, आपने अपनी विशेस को पूरा नहीं किया, जस्ट स्टक रहे पास्ट में, और लाइक अपने आप को स्टक फील किया, हो सकता है फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हो जिसकी वजह से आपने अपनी लव लाइफ में बहुत सफ़र किया है, या आपने फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लव लाइफ अपने जो जिस पार्टनर के साथ आपका लव बॉन्ड था उस पर्सन को अपनी लाइफ से दूर किया, तो अब आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। या फिर ये सिचुएशन हो सकती है कि हो सकता है पास्ट में आपने कुछ नेगेटिविटी की वजह से आपने अपने लव लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब किया जिसकी वजह से अब आपको रिग्रेट हो सकता है, या फिर और आप विश कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हों। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप किसी पर्सन को जो है वो लव ऑफर या अपॉलॉजी देना चाहते हैं।
थर्ड वीक में आपकी वर्क वर्क सिचुएशन बहुत बेहतर रह सकती है, वर्क प्लेस पे हैपनिंग हो सकता है बहुत कुछ, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिसमें आपको टीम वर्क के साथ काम करना है। और इसके अलावा हो सकता है आप अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश करें अपने कमिटमेंट के लिए अपने पार्टनर के साथ, ये भी हो सकता है, या आप अपनी फैमिली और अपने पार्टनर को एक सेम पेज पे लेके आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें। थर्ड वीक में लाइक आप दूसरों के साथ अपने अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करें, चाहे वो आपके इर्द गिर्द के लोग हों, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या फिर आपके पार्टनर हो, तो एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है, दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहे हैं। यस, आप अपने पार्टनर के साथ दोबारा से रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं, या आपको कमिटमेंट ऑफर हो सकती है किसी की तरफ से। लेट्स सी व्हाई दिस थ्री ऑफ पेंटिकल इज़ हियर फॉर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन्स के लिए यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कैप्रिकॉन्स के लिए यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है फॉर थर्ड वीक। हैंगमैन, सो किसी चीज़ का लाइक आप इंतज़ार में हैं कि कब ये रिलेशनशिप दोबारा से ग्रो करेगा। यस, लाइक या तो आप अपने फाइनेंसिस को बेटर बनाने के लिए प्लानिंग्स कर रहे हैं और अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं जिसमें थोड़ा सा डिले आ सकता है थर्ड वीक में, और या तो आप अपनी मदर से बात करें अपने अपने पार्टनर के हवाले से, और उसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको बहुत फैमिली को मनाने में थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, आपको और वेट करने के हवाले से कहा जा सकता है, तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और अगर वर्क प्लेस की बात करें तो आप जो भी काम करें उसमें सक्सेस ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी डिले हो सकती है, या आपको फैमिली को मनाने में टाइम लग सकता है बहुत ज़्यादा। सो फोर्थ वीक में कैप्रिकॉन्स आपके पास, आप फाइनली कमिटमेंट लेके जा रहे हैं, और या आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिल सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी किसी पर्सन की तरफ से कमिटमेंट ऑफर आ सकती है, और या फिर आपके पार्टनर की तरफ से ही आपको मिल सकती है कमिटमेंट ऑफर। और ये एक न्यू फाइनेंशियल स्टार्ट भी हो सकता है, कि नई जॉब ऑफर हो सकती है, और लाइक अगर आपने न्यू जॉब के लिए अप्लाई किया था तो वो भी आपको मिल सकती है, या कोई मनी गेन हो सकता है, मॉनेटरी गेन हो सकता है आपको कोई। लेट्स सी व्हाई दिस एस ऑफ पेंटिकल इज हियर। एक नया स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रहा है किसी चीज़ का। सो लेट्स सी व्हाई दिस एस ऑफ पेंटिकल इज हियर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सो यस, आप और इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ में। अगर आप वेटिंग कर वेट कर लाइक अगर आप वेट कर रहे थे रिकन्सिलेशन का, तो रिकन्साइल हो सकता है। और पास्ट में अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से आपको गेन हो सकता है, लाइक पास्ट में आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, किसी जगह पे इन्वेस्ट किया था, तो वहाँ से आपको प्रॉफिट मिल सकता है, गेन हो सकता है। इसके अलावा ये आपको इस रिलेशनशिप में आपने जितना इन्वेस्ट किया है उसका रिज़ल्ट मिल रहा है आपको मंथ ऑफ सितंबर के एंड में। सो लेट्स सी कि यहाँ पे रोमांस एंजल ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉन्स। रोमांस एंजल ओरेकल से क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉन के लिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो यस, कोई पास से वापस आपके लिए लाइफ में आ रहा है। पास यानी कि पास लाइफ वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है, वो हो आपके जो अभी जो लाइफ है इसमें जो पास जिस जो पर्सन वो भी हो सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, तो वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ सकता है। और गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन, तो एक दूसरे को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेपरेशन टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन हराइजन, तो सेपरेशन का वक्त आप थोड़ा सा फेस कर सकते हैं इस मंथ ऑफ सेप्टेम्बर में,
जैसे मैंने कहा, हो सकता है सेकंड वीक में आप सेपरेशन फेस कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको एक दूसरे को जानने की बहुत ज़रूरत है, जैसे मैंने कहा कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंड कर, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा वक्त लग सकता है, और जो कि ये सेपरेशन पीरियड पूरा करेगा, ये सेपरेशन पीरियड पूरा करेगा, और वर्थ वेटिंग फॉर, लाइक अगर आपने इस पर्सन का वेट किया है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइक डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ. तो इट्स मीन के अगर आपने इस पर्सन का वेट किया और आप वेटिंग पर थे कि दोबारा उस पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, और आप उस पर्सन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिल रहा है सितंबर के एंड में. सो लेट्स सी के मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है आपको, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है यहाँ पर, तो जाके रिलेशनशिप जो आगे बढ़ेगा. क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड जो है वो ऐसी कम्युनिकेशन जो एक दूसरे के लिए क्लैरिटी लाती है, आपके लिए आपके लाइफ में क्लैरिटी लेके आएगी, आपकी सिचुएशन के हवाले से, आपके पार्टनर के हवाले से, और ये क्लैरिटी आपको जो है वो समझाएगी कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में. सो यस, इसके लिए एडजस्टमेंट की ज़रूरत है. इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आप थोड़े इमोशनल हो सकते हैं इस मंथ में, और जैसे मैंने कहा कि आपको रिग्रेट हो सकता है जो भी लॉस हुआ उसमें. सरेंडर टू द डिवाइन पे सरेंडर कर दें, वेट करें, चीज़ें बेहतर होंगी. अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो यहाँ पर आपके लिए न्यू स्टार्ट है और वो आ रहा है, और विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, तो एक विन विन आउटकम आपको ज़रूर मिल सकता है. सो दैट वॉज योर रीडिंग. इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो. लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.